छूट करवाई थी ना, तो हमारे पांच विधायक मुख्यमंत्री के पास गए थे, नजफगढ़ से कैलाश गहलोत जी, मटियाला से गुलाब सिंह यादव, विकासपुरी से महेंद्र जी, मैं और देशराज राघव जी, हम पांच गए थे। तब मुख्यमंत्री से बात की थी कि भाई ये 155,000 रुपए तो बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने 80% की छूट उस समय दे दी थी। 5 तारीख को हम जब 5 आदमी 80% की छूट करवा के आए हैं, 5 तारीख को 50,000 आदमी अगर वहां उस रैली में होंगे तो मेरे को लगता है मुख्यमंत्री इसको भी खत्म कर देंगे, बिल्कुल खड़ी कर देंगे। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोगों को पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए? हर घर के 10-15 हजार रुपए बचेंगे कि नहीं बचेंगे? बचेंगे ना, लेकिन वो जब बचेंगे जब आम आदमी पार्टी का काउंसलर भी आप जितवा के दोगे और उस दिन रैली में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग पहुंचोगे जब बचेंगे। आज आपके यहां पानी पीने का आ रहा है ना, हो सकता है कभी गली में कहीं गंदा पानी आ रहा हो। हाँ सुन तो दी, एक दिन छोड़ के एक दिन तो आ रहा है ना, पहले 20 साल तो वो भी नहीं था। ये पानी पहले भी आ सकता था, ऐसा नहीं है कि कोई जादू की छड़ी थी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और आपके घरों में पानी पहुंच गया। उसका रीजन बताता हूं कि पानी क्यों नहीं आ रहा था आपके यहां पर। 20 साल से कांग्रेस का विधायक था, 1.5 साल बीजेपी का भी रहा ना, 21.5 साल कांग्रेस और भाजपा के लोग सत्ता में थे और पानी क्यों नहीं आया? 300 टैंकर आपकी उत्तर नगर विधानसभा के अंदर लगे हुए थे, 300 टैंकर, एक टैंकर से 400 रुपए मंथली मिलती थी जो कि लगभग 12 लाख रुपए महीना बैठती है, लगभग 12 लाख रुपए। 20 साल तो कांग्रेस के विधायक ने 12 लाख रुपए महीने लिया, देख लो कैलकुलेट कर लो कि कितने करोड़ रुपए बन गए होंगे। 12 लाख रुपए महीने मंथली पहुंचती थी तो वो टैंकर क्यों बंद करवाएंगे? नहीं बंद करवाएंगे ना। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार, जब हम लोगों की सरकार आई तो हमने केवल 6 महीने में आपको पीने का पानी दिया और वो भी टोपी से दिया है, केवल 6 महीने में। आज उत्तर नगर विधानसभा में केवल 3 टैंकर चल रहे हैं, हमने 297 टैंकर बंद किए 6 महीने के अंदर अंदर जब हमारी सरकार बनी। वो इसलिए किए हैं कि नीयत ठीक थी और पानी आप लोगों को देना चाहते थे, 12 लाख रुपए की कमाई नहीं करना चाहते थे, इसलिए आप लोगों को पानी दिया है। और इन्हीं चीजों से लोग परेशान थे कि भाई कभी कांग्रेस आ गई कभी भाजपा आ गई, एक बार आम आदमी पार्टी को आप लोगों ने मौका दिया तो हम लोगों ने आपको पीने का साफ सुथरा पानी दे रहे हैं, जहां कहीं गंदा आ रहा है कोशिश है उसको भी जल्दी से जल्दी देखिए। 22 साल कांग्रेस और बीजेपी रही तो कुछ समय तो हम लोग, कोई छोटी मोटी समस्या हो सकता है आपकी अभी पेंडिंग हो, लेकिन मोटे मोटे जो काम थे करने के लिए, पीने का पानी देना हो, सीवर लाइनें आपकी चालू करवानी हो, रोड आपके बनवाने हो, ये सारे के सारे काम हम लोगों ने करके लिए हैं। पहले हर साल बिजली के रेट बढ़ते थे ना, हर साल बढ़ते थे। पहले कभी कांग्रेस आ गई तो बीजेपी वाले प्रदर्शन कर देते थे, बीजेपी आ गई तो कांग्रेस वाले प्रदर्शन करते थे, लेकिन रेट बढ़ना कम नहीं हुआ ना। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार जब बनी, सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर हमने आपके बिजली के रेट आधे किए और 2 साल हो गए हैं, एक नया पैसा आपका बिजली का बढ़ने नहीं दिया हम लोगों ने, एक नया पैसा। पानी फ्री आ रहा है, 20,000 लीटर तक हमने फ्री कर दिया है, और मान लीजिए किसी का बिल आ भी रहा है तो भरने की जरूरत नहीं है, पानी आपको फ्री है बिल्कुल। और पानी फ्री करने के बावजूद सीवर कनेक्शन के डेवलपमेंट में 80% की छूट की, नए पानी के कनेक्शन में 80% की छूट की, उसके बावजूद जल बोर्ड 178 करोड़ रुपए प्रॉफिट में गया है, 178 करोड़ रुपए प्रॉफिट में। तो पानी फ्री कर दिया, डेवलपमेंट चार्ज कम कर दिया उसके बावजूद भी, ये दर्शाता है कि आम आदमी की सरकार, ईमानदार सरकार कैसे काम कर रही है। हम लोगों ने 3 मोहल्ला क्लिनिक उत्तम नगर विधानसभा के अंदर खुले हैं, 17 मोहल्ला क्लिनिक 30 अप्रैल से पहले और हमारे विधानसभा के अंदर खुल जाएंगे। उस मोहल्ला क्लिनिक का आपको बेनिफिट बताता हूं मैं। हमारा तो उत्तम नगर विधानसभा का इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि एक भी सरकारी दफ्तर, एक भी सरकारी कार्यालय उत्तम नगर में नहीं है। अगर आपको पेंशन बनवानी हो तो कहां जाना पड़ता है, या तो नजफगढ़ जाना पड़ता है या कटवाड़िया सराय। अगर बिजली का बिल भरना हो तो कहां जाना पड़ता है, जनकपुरी। पानी का बिल भरना हो तो कहां जाना पड़ता है, पश्चिम बिहार। अगर किसी के घर में कोई हरी बीमारी हो जाए तो अस्पताल कहां है, दीनदयाल हरिनगर। एक भी सरकारी कार्यालय उत्तम नगर विधानसभा के अंदर नहीं है।
राशन का और पेंशन के आपके दोनों दफ्तर हम 30 अप्रैल तक उत्तम नगर विधानसभा के अंदर शिफ्ट करवा रहे हैं आपके दोनों के दोनों दफ्तर। शीला दीक्षित ने तीन बार अस्पतालों का उद्घाटन किए, एक बिंदापुर में किया, एक मोहन गार्डन में किया। लगी कोई ईट नहीं बनाना। मैं कह रहा हूं कि 5 तारीख को मुख्यमंत्री 2 नए अस्पतालों की घोषणा करेंगे और इसी साल के अंदर अंदर हम दोनों अस्पतालों के निर्माण का काम शुरू करवाने जा रहे, एक नहीं 2 नए अस्पताल। अब मैं मोहल्ला क्लिनिक की आपको बता रहा था कि मोहल्ला क्लिनिक के सरकारी अस्पताल में आप जाओ, आप अस्पताल के अंदर गए तो आपको कहा कि भाई MRI होनी है, MRI 6 महीने की डेट मिलती है, सिटी स्कैन होना है 4 महीने की डेट मिलती है, यही होता है ना। अरे यार बीमारी आज है तो इलाज तो आज करवाना है ना, 6 महीने कौन इंतजार करेगा, इलाज तो आज ही होना है। इन मोहल्ला क्लिनिक के अंदर, इन डिस्पेंसरियों के अंदर हम लोगों ने तय किया है कि आप मोहल्ला क्लिनिक के अंदर जाओ और डॉक्टर आपको लिख के देगा। मान लीजिए डॉक्टर ने लिख देगा MRI होना, आपके सिटी स्कैन होना है। हमने दिल्ली के अंदर जितनी भी प्राइवेट लैब्स हैं सब लैबों के साथ टाई अप किया है और वो पैसा सरकार देगी। आप उन प्राइवेट लैब में जाइए, जैसे हमारे यहाँ जनता है, सिटी एक्सरे है, डॉक्टर लाल पैथ लैब है, इनके अंदर जाइए और वो चाहे 1,000 रुपए का टेस्ट हो, चाहे 1,00,000 रुपए का टेस्ट हो, आपको एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट लैब में दिल्ली सरकार आपको पैसा देगी और आपके टेस्ट होंगे। 67 साल कांग्रेस और भाजपा की सरकार रही है, 67 साल जो कार्यालय जो कार्यकाल आप 2 साल में आम आदमी पार्टी का, और ये काम तो हम जब कर रहे हैं जब मोदी सरकार का डंडा है, LG का डंडा है, उसके बावजूद आज दिल्ली पहला ऐसा राज्य है पूरे देश के अंदर जहां बुजुर्गों की पेंशन हमने जिसकी 1500 रुपए पेंशन थी वो 2500 रुपए कर दी है और जिसकी 1000 रुपए पेंशन थी वो हमने 2000 रुपए कर दी है। दिल्ली पहला ऐसा स्टेट है। इतनी विपदाओं, इतनी तकलीफ, इतनी अड़चन के बावजूद दिल्ली सरकार काम कर रही है। अगर सोचिए अगर ये LG और मोदी सरकार का अगर डंडा हट जाए तो हम दिल्ली के लोगों के लिए क्या क्या कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी योजना हम शुरू करने जा रहे हैं इसी साल, आम आदमी कैंटीन। उस आम आदमी कैंटीन, अच्छा अगर आदमी कोई अपने घर में खाना खाता है एक टाइम के खाने की 15-20 रुपए तो कोस्ट आती होगी ना, आती है ना 15-20 रुपए कोस्ट। आम आदमी की कैंटीन के अंदर केवल 5 रुपए में आपको खाना मिलेगा, केवल 5 रुपए में। पूरी दिल्ली के अंदर जैसे मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हैं ना अलग अलग जगह, ऐसे 20-20 आम आदमी कैंटीन हम दिल्ली के हर मोहल्ले के अंदर खोलने जा रहे हैं। आप अरे बहन जी गर्म जाओ, बाकी 2 मिनट फिर सुनाना पूरा। ये आपको गली की पड़ी है, मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें बता रहा हूं आपको, दिल्ली सरकार जो कर रही है। तो ये सारे के सारे काम तो हम जब कर रहे हैं जब उतनी अड़चने हमारे सामने। अगर 6 महीने के लिए मोदी सरकार अपना डंडा ढीला कर देना कि भाई इनको काम करने दो तो पता नहीं क्या से क्या कर दे आम आदमी पार्टी की सरकार। पिछले 20 सालों से जो काम नहीं हुए थे, एक सबसे बड़ी समस्या आपके यहाँ पानी की निकासी है, सीवर लाइने चालू होने के बाद 99% आपकी वो समस्या खत्म हो जाएगी। मई या जून के महीने से मैं आपके यहाँ जो जो रोड टूटे हुए हैं दोबारा से नई नालियों का निर्माण और रोड जो टूटे उन रोडों का निर्माण मैं शुरू करवाने जा रहा हूँ। पहले आपकी 90-95% समस्या तो सीवर लाइन चालू होने से दूर हो जाएगी, आपकी जो बच गई वो रोड और नालियों का निर्माण करने से आपकी खत्म हो जाएगी पानी की निकासी की समस्या। ये सारे अब चुनाव भी आएंगे अप्रैल में, इतनी सारी चीजें दिल्ली सरकार ने आप लोगों को दी है, पेंशन बढ़ा दी, मोहल्ला क्लिनिक, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारा है, बिजली के रेट कम किए हैं, पानी फ्री किया है, तो अब मौका हमारा भी है। अब चुनाव है तो मौका हमारा भी है ना, अब आप लोगों को भी तो वापस लौटना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो आपसे केवल एक ही चीज मांगते हैं, आपका एक वोट। तो इतना तो हक बनता होगा कि दिल्ली सरकार इतने काम कर रही है तो आप वो वोट तो हमारे को दो। आम आदमी पार्टी की सरकार अगर दिल्ली के अंदर बनेगी तो जो नगर निगम में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, ईमानदार सरकार हम नगर निगम के अंदर भी बनाएंगे। इसके लिए आम आदमी पार्टी जिस किसी भी कैंडिडेट को टिकट देती है आप उसका साथ दीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो साफ सफाई की या कोई भी आपकी समस्या है उसको हम ईमानदारी के साथ हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैं दोबारा से अपनी सारी आम आदमी पार्टी की टीम को, सब साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे वार्ड एक बात और बताइए, जिस पार्टी के पास ऐसे कार्यकर्ता हो, इसका बेचारे का कल एक्सीडेंट हुआ है, सारे हाथ में टाके लगे हुए हैं, पैर में पट्टी बंधी हुई है,
लेकिन जब भी कहीं आम आदमी पार्टी की मीटिंग होती है ये कहते हैं मैं रुक नहीं सकता। कल शाम को भी मैंने इनको मना किया था कि उपाध्याय जी आप आराम करो, तीन चार दिन का रेस्ट हो, लेकिन नहीं माने। ऐसे जिस पार्टी के पास ऐसे कार्यकर्ता उस पार्टी को दुनिया की कोई ताकत चुनाव नहीं हरा सकती। तो दोबारा से मैं आप सबको 5 तारीख के लिए हाथ जोड़ के निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचे और मुख्यमंत्री का धन्यवाद करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू। इस मीटिंग को सफल बनाने के लिए जिन लोगों का योगदान रहा।